जी स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक। द टॉपिक इज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ द नेशन ऑफ ब्रिटेन फॉर्म्ड। ब्रिटेन जो नेशन है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो नेशन है, ये कैसे बना, कैसे एग्जिस्टेंस में आया, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इटली कैसे नेशन बना, जर्मनी कैसे नेशन बना, लेकिन आज जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जो नेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम है, ये किस तरह से बना, इंग्लैंड जो है इसमें बाकी देश किस तरह से शामिल हुए, तो जिहड़ा इंग्लैंड तो यूनाइटेड किंगडम बनने का जिहड़ा सफ़र है, ये इटली ते जर्मनी वर्गे नेशनस तो डिफरेंट है। इटली ते जर्मनी दे रेवोल्यूशन कीते लोगों ने, ठीक है, और उन्होंने अपने एक कौम को इकट्ठे करके एक नेशन बनाया, लेकिन जिहड़ा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नेशन है, ये अलग अलग कौमां मिलकर नेशन बनिया ने, और इंग्लैंड के बहुत सारिया कौमां जिहड़ा है जबरदस्ती अपने नाल मिला के नेशन बनाया। सब तो पहला समझ लें कि ब्रिटेन की है, ग्रेट ब्रिटेन की है, और यूनाइटेड किंगडम की है अज के समय। अगर असं अच गल करते हैं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड डिस्टिंक्ट नेशन हैगा, वी ऑलरेडी नो लंडन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। दैन अगर असं इंग्लैंड वेल्स मिला दिए, इंग्लैंड वेल्स भी इंक्लूड कर दिए, तो साढ़े को ब्रिटेन नाम का नेशन आता है। अगर असं इंग्लैंड वेल्स और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड दोनों मिला दिए, तिना मिला के इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड मिला के ग्रेट ब्रिटेन बन गया। लेकिन अगर असी इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड भी मिला दिए, तो बनता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जो असी यूनाइटेड किंगडम की गल करते हैं, तो साढ़े को चारों नेशन्स आते हैं, इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ये जो नेशन्स ने ये अपने आप में ऑटोनमस नेशन भी ने, लेकिन जो ये मिलते हैं तो इन असी यूनाइटेड किंगडम का नाम दे देते हैं। यूनाइटेड किंगडम दे जो असं प्रीमियर की गल करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की गल करते हैं, तो साडा मतलब होंगे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर। इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर भी यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर है। इंग्लैंड की पार्लीमेंट भी यूनाइटेड किंगडम की पार्लीमेंट है। इंग्लैंड तो बिना बाकी जिन्हें नेशन ने, वेल्स स्कॉटलैंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सारे सबॉर्डिनेट ने, और इंग्लैंड इन्हों का हैड है यूनाइटेड किंगडम के, ठीक है। लेकिन हुण असीं वन बाय वन डिस्कस करांगे कि आखिर वेल्स स्कॉटलैंड नॉर्दर्न आयरलैंड वगैरह जो नेशन ने, ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट किवें बने। वी विल डिस्कस इट स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी स्टूडेंट्स, बड़ा स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन जिसे जिदा आप पढ़ रहे हैं, ये असं पहले ये देख लें कि यूनाइटेड किंगडम की जो असं गल करते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम जी है ये असी इन्ना कम्यूनिटीज़ की गल करते हैं। इंग्लैंड जोड़े लोग रहते हैं वो इंग्लिश ने, वेल्स रहने वाले वेल्श ने, स्कॉटलैंड रहने वाले स्कॉट ने, आयरलैंड रहने वाले आयरिश ने। हम असं वन बाय वन डिस्कस करा कि किस तरह के नाल जोड़ा है नेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम जोड़ा है फॉर्म होया। सब तो पहला अगर असं गल करिए वेल्स कम्यूनिटी की, तो वेल्स कंट्री की, तो वेल्स कंट्री जोड़ा है 13th century के इंग्लैंड के अंडर आया सीगा, और यूनाइटेड किंगडम का ब्रिटेन का पार्ट बनया। इंग्लैंड और वेल्स में मिला के सब पता ब्रिटेन बनता है। सो वेल्स में 13th century के ब्रिटेन शामिल किया गया। दैन साढ़े को आता है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड जोड़ा है 1707 के एक एक्ट बनाया गया सीगा, द एक्ट ऑफ यूनियन। एक तरह का समझौता सी जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के विचकार होया सीगा 1707 के, और इस एक्ट के राही स्कॉटलैंड जिहड़ा है इंग्लैंड के नाल मर्ज करके यूनाइटेड किंगडम जन्म दिता गया। सो स्कॉटलैंड जिहड़ा है यूनाइटेड किंगडम 1707 के शामिल किया गया। जो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम शामिल कर लिया गया, उस तो बाद स्कॉटलैंड के बहुत सारे कैथोलिक लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया, क्योंकि इंग्लैंड जिहड़ा है बेसिकली प्रीडोमिनेंटली प्रोटेस्टेंट रिलीजन बिलोंग करता है। इंग्लिश चर्च जी प्रोटेस्टेंट रिलीजन का ही पार्ट है,
और जिहड़े तां स्कॉटलैंड दे प्रोटेस्टेंट पीपल सी उन्होंने तो वेलकम किया इंग्लैंड का पार्ट बन गया, लेकिन जिहड़े कुछ स्कॉटिश हाईलैंडर सीगे स्कॉटलैंड दीआं पहाड़ियां च रहण वाले कैथोलिक लोग जिहड़े सीगे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और कई जगह दे रेवोल्यूशन भी किए। इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने उन्हां रेवोल्यूशनस नूं बहुत ही सख्ती दे नाल दबा दिता और उन्हां दे उपर जिहड़ा है इंग्लिश लैंगुएज ठोसी गई कि तुसीं इंग्लिश लैंगुएज ही पढ़ोगे, इंग्लिश कल्चर नूं अपनाओगे और स्कॉटिश जिहड़ा कल्चर सीगा उहनूं जिहड़ा है डीजनरेट करन दी कोशिश की गई, जिस करके स्कॉटिश हाईलैंडर काफ़ी ज़्यादा भड़क गए। बहुत जगह तो उन्होंने रेवोल्यूशन किया, स्कॉटिश हाईलैंडर अपनी जी गायलिक लैंग्वेज से वो नहीं सी बोल सकते, अपनी जी उन्हों की कल्चरल ड्रेस है वो नहीं सी पहन सकते, सो काफ़ी पाबंदियां लगाई गई स्कॉटिश हाईलैंडर पीपल के उपर। इंग्लैंड में बहुत सारे स्कॉटिश हाईलैंडर जोड़े से दुखी होकर स्कॉटलैंड छड़ के जोड़ा है दूसरे एरियाज में चले गए दौड़ गए, सो काफ़ी तशद्दुद किए गए स्कॉटलैंड के उन्होंने लोगों के उपर जो कि इंग्लैंड का विरोध कर रहे थे। सो ये भी साडा टॉपिक क्लीयर हो गया रिवोल्ट्स बाय स्कॉटिश हाईलैंडर्स। नेक्स्ट साढ़े को आयरलैंड। देखो आयरलैंड बेटा एक ऐसा कंट्री है जिथे कि कैथलिक लोग भी रहते और प्रोटेस्टेंट लोग भी रहते, ये कैथलिक और प्रोटेस्टेंट लोग आपस नफरत करते थे। आप पोलीटिकल साइंस जी सिविक्स जी और आप लैसन पढ़िया से ना कैथलिक और प्रोटेस्टेंट की नफरत आयरलैंड। सो उस नफरत का फायदा उठाया इंग्लैंड ने, इंग्लैंड खुद एक प्रोटेस्टेंट कंट्री है, सो इंग्लैंड ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट पीपल का साथ दिता और उन्होंने कैथोलिक के खिलाफ लड़ाया। हौली हौली इंग्लैंड ने अपनी इंटरफेरेंस काफ़ी बढ़ा दी आयरलैंड और अपनी इकोनमी अपनी पोलिटिकल पावर अपनी आर्मी पावर के बल के उपर आखिरकार जबरदस्ती बाय फोर्स जरा आयरलैंड 1801 के अपने कब्जे में कर लिया। 1801 तो थोड़ी देर पहले इंग्लैंड के खिलाफ रेवोल्यूशन भी होया सीगा, लेकिन उस रेवोल्यूशन में इंग्लैंड ने दबा दिता सी और आखिरकार 1801 दे विच ताकत दे नाल अपनी फोर्स दे नाल जिहड़ा है आयरलैंड नूं इंग्लैंड ने यूनाइटेड किंगडम विच मिला लिया और अपने अंडर कर लिया। तो इहदे नाल जिहड़ा है फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जिहड़ी है वो कंप्लीट हो गई इन द ईयर 1801। सो इस तरह के नाल यूनाइटेड किंगडम विच इंग्लैंड भी सी शामिल, वेल्स भी शामिल हो चुका सी, स्कॉटलैंड भी और आयरलैंड। ठीक है, सो इतने जोड़ा है सारा टॉपिक एक खत्म हो जाता। नैक्सट असं गल करते हैं डोमीनेंस ऑफ इंग्लैंड ओवर यूके। हूँ जिन्ने भी डिस्टिंक्ट नेशनस चाहे वह वेल्स है स्कॉटलैंड है आयरलैंड है जोड़े शामिल हुए से इंग्लैंड इंग्लैंड के नाल यूनाइटेड किंगडम के, हालांकि डिस्टिंक्ट नेशन से लेकिन इन्हों के उपर इंग्लैंड ने इंग्लिश लैंगुएज फोर्स की कि तुम इंग्लिश लैंगुएज में ही बोलो उसे ही यूज़ करो, इंग्लिश लैंग्वेज फोर्स की गई इन्हों के उपर, इन्हों के उपर इंग्लिश फ्लैग फोर्स किया गया, इंग्लिश कल्चर फोर्स किया गया कि तुम इंग्लिश कल्चर में अपनाओ। सो जिहड़े वेल्स स्कॉटलैंड और आयरलैंड कंट्री सीगे सबॉर्डिनेट नेशन बन के रह गए यूनाइटेड किंगडम के, क्योंकि इंग्लैंड जिहड़ी सी उन्हें पूरी तरह इन्हां छोटे नेशनस नूं डोमिनेट करके रख्या होया सीगा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के। सो एक तरह के नाल इंग्लैंड ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए दूसरे कल्चर दे नेशनस नूं अपने अंडर कर लिया, जो कि एक वक्री स्टोरी सी, स्ट्रेंज केस सीगा ब्रिटेन नेशन बनन दा, जो कि आपां नूं जर्मनी जां इटली दे विच नहीं सी मिलिया, उत्थे सब ने मिल के योगदान पाया और इटली ते जर्मनी नेशन बनाया। इत्थे इंग्लैंड ने दूजे नेशनस नूं अपने अंडर करके ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जिहड़ा नेशन है वो कायम किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।